वीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड सीधे इस वक्त हमें गोरखपुर से ज्वाइन कर रहे हैं और वो इन दिनों फील्ड में निकले हुए हैं गोरखपुर वाराणसी के इलाके में। वीरेन जी स्वागत आपका, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि गर्मी ठीक ठाक पड़ रही होगी। अब मुझे आप बताओ कि सर वीरेन जी की ज़मीन पर क्या चल रहा है, लोगों के बीच क्या चर्चा है, और इस गर्मी के मुकाबले जब मुकाबला हो रहा है बहुत कड़ा, तो जनता के बीच किस तरह का इलाका जहाँ बोले बोले जहाँ पर हम खड़े हैं ये इलाका देखिए पूर्वांचल का वो इलाका है, पिछड़ा इलाका कहा जाता था, जहाँ पर जापानीज इंसेफलाइटिस का बड़ा प्रभाव था। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, जो पिछड़े इलाके जहाँ बच्चों की बीमारी और तमाम सारी यहाँ की समस्याएं थी। हालांकि दो दो मुख्यमंत्री इस गोरखपुर से हुए हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री भी गोरखपुर के ही हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स से लेके तमाम सारी चीजें आई। पहले तो बाबा राघव दास के नाम पर एक कॉलेज था यहाँ। चुनाव जब हो रहा है तब जब आप मौके पर जाइए तो लगता है कि ये सब चीजें बहुत पीछे छूट चुकी हैं। अब ये महत्व तो रखता है कि किस जात का कितना वोट है और कैसे वो वोट पड़ जाए। देखिए वोट कम पड़ना ये एक बड़ी चिंता है, और शहरी क्षेत्रों में अगर वोट कम पड़ता है तो भाजपा का वोट कम पड़ेगा। उसके बाद नेता जोश भरने के लिए रैली में आते हैं तो कोई टनाटन कहता है, कोई खटाखट कहता है, कोई फटाफट कहता है, खटाखट। ये जो चीजें चल रही हैं ये हमको याद दिलाती है कि आज काश आजम खान जेल के बाहर होते तो वो इन सब चीजों का बड़ा अच्छा जवाब देते और बड़े सलीके से देते, नवाबों की तरह वो बताते। लेकिन जो आदमी नाइकर का रंग बता देने वाला आदमी जेल में है, वो वैसे ही उत्तर प्रदेश आए नहीं, नहीं वो भी कुछ कहानी सुनाते। साक्षी महाराज का शांति है, उनके यहाँ वोट भी पड़ गया है। तो ये आज जो विषय है ये इसलिए आया कि अब इसकी बाढ़ आ गई है इन जुमलों की, और अब इस कमी को जो है दो नए लोग पूरा कर रहे हैं, दो तीन लोग हैं इसमें, चार लोग। एक पीला कुर्ता वाले भी इस मामले में है जो साइकिल के छूछी के हाथ रे खोल देंगे और हवा निकल जाएगी। हालांकि उनका बेटा खुद घोसी में फंसा हुआ है, अगर वो चुनाव हार जाएगा तो राजभर की साख पे बड़ा विपरीत असर पड़ेगा। ब्रजेश जी ये चुनाव प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के इलाके का चुनाव है, और साथ साथ दो और लोग हैं, एक संजय निषाद का लड़का भी फंसा है प्रवीण निषाद, और दूसरा ओम प्रकाश राजभर। ये दोनों जो है बड़े बड़े दावे करने वाले जो नेता हैं, इनके लिए भी फटाफट खटाखट का क्या असर होगा ये 1 तारीख को पता चल जाएगा। वैसे हर कोई भाषण सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप सरकारी तंत्र में जाएंगे, जब चुनाव बीत जाएगा, तो ना कोई चीज फटाफट होती है और ना खटाखट होती है, फिर तो आपको वही धक्का खाना, लाइन लगनी है। हाँ, अगर ज्यादा आंदोलन करोगे तो लाठी जो है ठका ठक पड़ेगी और मुकदमा धका धक लिखा जाएगा। इसमें तो लाठी चलेगी तड़ातड़। ठीक बात, ये आम आदमी के लिए लाठी तड़ातड़, मुकदमा धड़ाधड़। तो ये चलेगा, लेकिन ये चुनाव के बाद जी, क्योंकि जो आज ये जुमले बोले जा रहे हैं, जब चुनाव बाद आप इन नेताओं से इसके बारे में पूछोगे भैया वो ठका ठक का हुआ, तो वो खुद ही बुरा मानेंगे कि इस पे बात ना करो। तो ये बड़ी समस्या है कि चुनाव के बाद ये जुमले नहीं, दाल रोटी का संघर्ष होगा, नौकरी चाकरी का, युवा के बेरोजगारी का संघर्ष होगा, और फिर उसमें फिर हर आदमी अकेला होगा। ये चुनाव खत्म होते ही इन नारों का उत्साह भी खत्म हो जाएगा और रह जाएंगी बस खाली मैदान और निजी जीवन का संघर्ष। जी, नारे उत्साह पैदा करने के लिए होते हैं, इंसाफ दिलाने के लिए नहीं। आज के जमाने में बातें चली गई हैं। ब्रजेश जी, ये चुनाव बड़ा कठिन दौर में है। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, संजय निषाद के बेटे, उनके पिताजी मंत्री हैं, यही गोरखपुर के ही वो मूलतः रहने वाले हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर भी रहे। आज उन्होंने एक दावत भी रखी थी शाम को
पत्रकारों के लिए, खिलाने पिलाने मछली वाला विभाग है, कभी पीछे नहीं रहे वो खिलाने पिलाने। अब वोट मिले कि ना मिले, वैसे यहाँ लोग ये कहते हैं कि प्रवीण निषाद या तो अस्पताल में रहते बीमार हो जाते या तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ नहीं मिलते। तो बड़ी बड़ी कहानियां हैं जी। और ओम प्रकाश राजभर का आप देख ही रहे हैं कि अच्छा वो नारद राय कल मैंने देखा कि वो अमित शाह की रैली में अमित शाह के साथ दिखे, और लोग कह रहे हैं कि नारद जो है कल बलिया में अमित शाह की रैली में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इससे बलिया सीट पे कोई इम्पैक्ट? देखिए नारद राय अब तो भाजपा में चले गए और उनका कहना है कि हमारी उपेक्षा हो रही थी और हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। अब असर तो देखिए, जब प्रधानमंत्री का बेटा बलिया में चुनाव लड़ रहा है, नीरज शेखर राज्यसभा के मेंबर, और उसके बाद अगर वो चुनाव नहीं चढ़ पा रहा है उनका, तो अब नारद राय जैसे ही लोगों का सहारा बचा है। नारद राय अंबिका चौधरी उस तरह के नेता हैं ब्रजेश जी कि अंबिका चौधरी ने तमाम मुकदमे और विपरीत हालात में भाजपा की सरकार में अपने बेटे को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जितवाया जी। तो जो लोग खाटी हैं, जुझारू हैं, उन लोगों को तो देखिए उनके जाने का असर और आने का असर दोनों पड़ता ही है। और बीजेपी देखिए हर जिले में मैनेजमेंट कहिए, माइक्रो मैनेजमेंट कहिए आप उसको, कहां कहां बीजेपी ने नहीं साधा हर जिले में एक एक सीट पर। चाहे आप धनंजय सिंह को ले लीजिए, अभय सिंह को ले लीजिए, राकेश सिंह को ले लीजिए, मनोज पांडे को ले लीजिए, राजकिशोर को ले लीजिए, नारद राय को ले लीजिए, हर जगह पर जहां इलाकाई लोग रहे उनको वो अपने साथ लाते जा रहे हैं। लेकिन ये खटाखट और फटाफट वाला नारा ब्रजेश जी ऐसा है कि एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि एक सेठ जी थे, वो एक आदमी को खूब जोर जोर से पीट रहे थे। तो लोगों ने पूछा, भाई आखिर क्यों, क्या हुआ, क्यों मार रहे उसको? तो सेठ जी ने कहा कि इसने साले ने 5 साल से मेरा रुपया ले रखा है, और जब रुपया मांगने जाओ तो कहता है कि बीवी अस्पताल में है। आज 5 साल बाद पता चला कि इसकी बीवी तो नर्स है, वो तो हरदम अस्पताल में रहे, साला बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, इसलिए पीट रहा। तो ये जाने दे, छोड़े उनको। तो ये हाल है, देखिए नेता भी ऐसा है जी, ऐसे नेता भी करते हैं। बहरहाल एक साहित्यकार का बड़ा अच्छा एक कविता है जी। और नेताओं के ऊपर भी है, पत्रकारों के ऊपर भी है, क्योंकि दोनों का मामला तकरीबन निपट चुका है। अब थोड़े समय बचा है, सुनिएगा कि लौट आई बहार तकरीबन, और है गुलों पे निखार तकरीबन, और आईना साफ कर लिया हमने, छट गया सब गुबार तकरीबन, और उनकी चौखट पे खत जला आए, चुक गया है सब उधार तकरीबन, और झूठ से उसको ये हुआ हासिल कि खो गया है एतबार तकरीबन, और पास है अब तो आखिरी मंजिल, खत्म है अब इंतजार तकरीबन, और मौज दर मौज लड़ते ही लड़ते हो गए हैं अब हम भी पार तकरीबन। वीरन जी, एक दिन मुझे हेमंत तिवारी जी अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि सर्वाधिक अगर किसी को मिस किया गया इस चुनाव में, और एक दिन संजय जी भी जिक्र कर रहे थे एक जगह, आजम खां का, अगर बाहर होते तो क्या, मतलब कुछ तो नई बात आती जी, है ही नहीं मजे, मतलब वो रोचकता नहीं आई। वही तो मैं कह रहा हूं कि उनके अंदर रहने से बहुत मामले में अखिलेश यादव फायदा हो गया, नहीं तो बीजेपी कोई ना कोई बड़ा हथियार वो दे देते। पिछली बार उन्होंने नईकरे दे दिया था, खाकी वाला, आपको याद होगा जी। जी, थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।